विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं तो सेवक ठहरा, जाऊंगा भी और फल लाऊंगा भी, पर ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ना सबके वश में थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, भोजन उन्हें कितना पसंद है ये बात तो सभी जानते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, भोजन पसंद है तभी तो इतना बड़ा पेट है, और फिर जब भूख लगती है तो जो पसंद है वही व्यंजन उनके सामने होना चाहिए, अन्यथा। अच्छा, इतने हटी हैं वो? नहीं नहीं, हटी कहाँ कहाँ मैंने, वो माता पार्वती के लाडले है ना, उनके मुंह पर कोई भी बात आए उसके पहले ही माता उनकी मांग को पूरी कर देती है। अब मान लीजिए उनका बड़ा लड्डू खाने का मन है और कोई छोटा लड्डू सामने रख दे तो क्रोध तो आएगा ही ना। क्रोधी भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु है तो महादेव के पुत्र ही ना, संसार जानता है महादेव भोले भंडारी है, तो उनका क्रोध भी संसार में किसी से नहीं छुपा। महादेव ने तो क्रोध में अपने पुत्र का ही शीश काट दिया था, पुत्र में पिता की छवि होना तो स्वाभाविक है ना। मूषक जी, आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। मन के पुराने घाव कभी भी हरे हो सकते हैं, और इनके घाव तो मन में ही नहीं इनके शीश पर भी हैं। अब किसी के साथ बचपन में ही ऐसी घटना घटी हो तो वो कभी ना कभी तो बावलेपन में दिखाई देगी ही ना। बावलापन, वो भी होता है उनके साथ? नहीं नहीं, बुद्धि विधाता बावले कैसे हो सकते हैं? हाँ ये बात है, बुद्धि अधिक हो तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, ना किसी की कुछ सुनते हैं। मूषक जी मेरी बुराई कर रहे हैं या प्रशंसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या वो अहंकारी भी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अहंकार तो उन्हें छूकर भी नहीं गया है। अब बताइए, कोई इतना गुणवान हो, उसका आकार, उसका शरीर बड़ा हो, उसके बगल से कोई निकले, भले ही वो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ही क्यों ना हो, और वो ना देखे ना अभिवादन करे, तो इसे अहंकार थोड़ी कहेंगे। अब इसका प्रमाण मैं क्या दूं आपको? प्रमाण तो आचरण से ही मिलेगा, वही तो है प्रमाण, वो तो तभी मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाएं। जो मैं कहता जाऊं वो आप प्रमाणित करते जाइएगा। ओह समझा, ये उनके प्रति मेरे निरादर प्रदर्शित करने का संकेत है। अब मुझे उनके सामने से ऐसे निकलना है जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। आचरण से ही मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाए। ऐसे ही बढ़ते रहिए प्रभु, जाइए जाइए। प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु, ये छोटी सी बात नहीं रख सके, मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। आइए पधारिए देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, कैलाश में आपका स्वागत है। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। शर्त? आसन के लिए कैसी शर्त है गणेश जी?
मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए, ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। वाह प्रभु, उलझा दिया आपने अपनी बुद्धि के जाल में। ऊंचा आसन, वो भी जगत माता और जगत पिता के सामने बिना उनका निरादर किए। चतुर 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 ज्ञानी, इस प्रश्न के विघ्न को विघ्नहर्ता ही हर सकते हैं। इसलिए देवियों, मेरा सुझाव है प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम ले लीजिए, संभव है ये विघ्न अभी टल जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए, ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। परीक्षा का अंतिम प्रश्न बनने वाला है। यदि इस आसन का चुनाव किया तो कहीं इन्हें कोई उपाय तो नहीं सोच गया। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.